बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की और कुछ अपडेट्स शिबा इनू के बारे में वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से शिबा इनू का अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्या कुछ शिबा इनू का फ्यूचर यहाँ से रह सकता है, क्योंकि अगर 24 घंटे का ग्राफ देखें, कल रात से जो है शिबा इनू के प्राइस थोड़े से डाउन गए हैं, 30% तक शिबा इनू डाउन जरूर गया है, लेकिन अब सिर्फ 14% का रह गया, मतलब ऊपर जाता हुआ यहाँ से दिख रहा है। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ग्राफ आपको ग्रीन में दिख जाए शिबा इनू का, क्योंकि 14% रह गया, 30% तक डाउन गया था। ये कुछ करंट सिचुएशन चल रही है शिबा इनू कॉइन की। प्राइस की अगर बात करें तो 48 की सीरीज चल रही है इंडियन रुपीज़ में, 47-48 की सीरीज चल रही है, 48 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और आने वाले टाइम में जो 53 कल जो हम प्राइस देख रहे थे तो 53 पे ट्रेड कर रहा था, है ना। और डॉलर्स की अगर सीरीज की बात करें तो 90 तक होके आया है, और फिर से आपको जो 90 की सीरीज है, अगर 90 को क्रॉस करता है तो एक जीरो भी यहाँ शिबा इनू कॉइन किल कर सकता है। तो प्राइस आपने जान लिया क्या प्राइस चल रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ज़रूर गया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। टारगेट आपका लंबा होना चाहिए, 1 साल तक का। और यहाँ पे अगर कुछ अपडेट्स हैं जो शिबा इनू की बात करेंगे उनके बारे में, दो लिस्टिंग्स यहाँ पे होती हुई, एक तो मून पे के ज़रिए आप खरीद सकते हो। मून पे एक बहुत बड़ी पेमेंट सर्विस है, जिस तरह से गूगल पे को यूज़ करते हैं हम, मून पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मून पे के ज़रिए मून पे भी शिबा इनू टोकन अब अवेलेबल है। और दूसरी जो लिस्टिंग हुई है वो एसेंट एक्सचेंज के ऊपर हुई है, और उस पर भी अब शिबा इनू टोकन आज से अवेलेबल होगा। तो दो लिस्टिंग, दो जगह नई नई लिस्टिंग्स होती हुई, दो जगह से मतलब नई जगह ऐड होता हुआ शिबा इनू, ठीक है। चाहे कहीं भी ऐड हो, अगर नई जगह पे ऐड होता है, कोई एक्सचेंज पे ऐड होता है, तो बिल्कुल वहाँ पे और लोगों को सर्व किया जाएगा, मतलब और लोगों तक पहुँचेगा शिबा इनू कॉइन, ठीक है। बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन जो रॉबिनहुड एक्सचेंज है उसका बेनिफिट कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। और रॉबिनहुड को लेके पटिशन जो चल रही थी उस पे 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने साइन कर दिए हैं, 5 लाख के करीब होने वाले हैं, और ये सबसे बड़ी पटिशन बनने वाली है। लेकिन रॉबिनहुड की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है रॉबिनहुड के, और कोई अनाउंसमेंट को लेके अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो जब भी अनाउंसमेंट को लेके अपडेट आएगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही रॉबिनहुड लिस्ट करेगा, क्योंकि अब यहाँ से कर देना चाहिए लिस्ट। डोज कॉइन पहले से ही रॉबिनहुड पे अवेलेबल है, और अगर डोज कॉइन अवेलेबल है इसलिए तो शिबा इनू को जो कहते हैं डोज कॉइन किलर कहते हैं, इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ शिबा इनू भी रॉबिनहुड पे लिस्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ से अगर रैंक की बात करें तो शिबा इनू 10 पे रैंक कर रहा है, टॉप 10 में अभी भी है, और 9 पे आ गया डोज कॉइन, फिर से डोज कॉइन आगे आ गया, क्योंकि डोज कॉइन के अंदर भी कल पंप देखने को मिला है 35-40% का, काफ़ी अच्छा पंप डोज कॉइन के अंदर भी आया काफ़ी टाइम के बाद। यहाँ से डोज कॉइन के प्राइस और भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा 22-23 रुपये पे स्टेबल है प्राइस। तो डोज कॉइन के प्राइस भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज होते हुए, लेकिन शिबा इनू एक ही रैंक पीछे है, और शिबा इनू अगर यहाँ से ग्रो होता है तो फिर से ऊपर जा सकता है। और ये जो डिप आया था 30% का, ये एक मौका था कि शिबा इनू कॉइन में एंट्री ली जाए। आप में से बहुत सारे लोग थे पूछ रहे थे कि शिबा इनू कॉइन को कब खरीदें, तो ये एक अच्छा मौका था। आई होप आप सब लोगों ने एंट्री ले ली होगी, क्योंकि डिप आया था, और डिप में ही एंट्री लेने का मज़ा है, डिप में ही एंट्री लेनी चाहिए। तो आई होप आप सब ने एंट्री ले ली होगी अपने अपने लेवल पे, जो इतना बड़ा डिप आया। अब यहाँ से शिबा इनू फिर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी ही रॉबिनहुड की लिस्टिंग, और साथ के साथ प्राइस में जो 10 है वो किल होती हुई ज़रूर देख सकती है। शिबा इनू से हम इतनी एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हैं कि 10 किल और हो जाए। तो यही कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी, अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग्स यहाँ पे होती हुई, और एक शिबोशी गेम को ये लेके आने वाले हैं जल्दी, जो डेवलपमेंट्स को लेके काम चल रहा है। शिबोशिस NFT की अगर बात करें, उसको भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ है शिबोशी NFT, और बहुत अच्छा अटेंशन शिबोशिस NFTs को मिला है, और अब ये शिबोशी गेम को लेके आने वाले हैं शिबोशिस गेम को, और जल्दी इस गेम को लेके भी अनाउंसमेंट आ सकता है। और यहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, बर्निंग हो रही है नाउ पेमेंट्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिल सकते हैं शिबा इनू की पेमेंट्स एक्सेप्ट होने के लिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई को लेके ग्लिच आ रहा था कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने
देखा होगा वो ग्लिच, वो भी अब दूर हो गया है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल सब चीज़ें शिबा इनू की ठीक चल रही हैं। अगर फ्यूचर देखें यहाँ से, तो अगर प्राइस डंप भी रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक रिस्की मार्केट है। हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं आपकी खुद की रिसर्च बेहद ज़रूरी होती है। आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करो, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो सब आपके हाथ में है, आपकी चॉइस है, लेकिन आपकी रिसर्च बेहद ज़रूरी है। आप हर कॉइन के बारे में समझो, अच्छे से रिसर्च करो, भले ही आपको 1 वीक लग जाए उस कॉइन को समझने में, 1 महीना ही क्यों ना लग जाए, तो आप अच्छे से रिसर्च करके तब इन्वेस्ट करो। और काफ़ी नए नए इन्वेस्टर जो हैं शिबा इनू कॉइन में आ रहे हैं, और इसका रिजल्ट ये निकला है कि 2 दिन के अंदर 8,50,000 से ज़्यादा शिबा इनू के होल्डर हो गए हैं। हम दिवाली तक 8 लाख होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस महीने ही शिबा इनू 9 लाख होल्डर कंप्लीट कर लेगा। और अगर यहाँ से प्राइस में और सर्च देखने को मिलता है, अप ट्रेंड में अगर शिबा इनू यहाँ से जाता है, तो आपको यहाँ पे 0 भी किल होती दिख सकती है और 10 लाख तक होल्डर भी होते दिख सकते हैं। जी हाँ, 3-4 दिनों में ही 10 लाख होल्डर भी गेन कर सकता है, 1 वीक के अंदर भी कर सकता है, अगर प्राइस यहाँ से और ज़्यादा सर्ज होते हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ये क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ग्रो हुई है। 900% से ऊपर, लगभग 1000% तक शिबा इनू कॉइन ऊपर गया है। परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है, और शिबा इनू ने बहुत अच्छी पावर दिखाई है अपनी अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना रहा है शिबा इनू कॉइन के लिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। एक्सपेक्ट करेंगे नवंबर के महीने में भी ऐसी परफॉर्मेंस शिबा इनू दे, ऐसी परफॉर्मेंस चलती रहे। आने वाले टाइम में और जो अपडेट्स होंगी शिप को लेके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। 2 लिस्टिंग होती हुई, रोबिनहुड की लिस्टिंग जब अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। प्राइस अभी चल रहा है 48 की सीरीज, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और आपको ग्रो होता दिखे, जो 90 की सीरीज तक गया था डॉलर्स की अगर बात करें, तो अगर उससे ऊपर जाता है तो 1-0 किल हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स थी शिबा इनू कॉइन को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।